क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, इसमें क्या दिया, स्टूडेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक एट द स्पीड ऑफ 2:1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको सही करके लिख लेते हैं 2 2 4 और 1 5/2, 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट। देखिए ये उसका घर मान लेता हूँ, ये उसका स्कूल। ये घर से चलता है मान लिया मैंने 10 बजे, ठीक है 10 बजे घर से चलता है, पहुँचना है उसको 11 बजे, ये 11 बजे पहुँचने का फिक्स टाइम है। लेकिन वो जाता कितने की स्पीड से, वो जाता है 5/2 की स्पीड से, 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वो 6 मिनट लेट पहुँचता है। मतलब कितने बजे पहुँचता है, वो पहुँचता है 11:06 पर, ठीक है 11:06 पर पहुँचता है, ठीक है। दूसरा केस दिया है, नेक्स्ट डे की बात दी है, नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे वो फिर जाता है कितने की स्पीड से, अब इसमें 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बढ़ा दी, तो जोड़ लेते हैं 5/2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 5 = 7/2। अगले दिन वो 7/2 की स्पीड से जाता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट जल्दी का मतलब 10:54 पर वो पहुंच जाता है, ठीक है ये बात सबको समझ में आई। अब अपन को टाइम दिया, अपन पहले टाइमिंग, अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन इज स्कूल एंड इज हाउस, ठीक है डिस्टेंस अपन से पूछा है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मान लिया डी डिस्टेंस मान लिया। अब अपन अगर पहले केस की टाइम बात करें, टाइम T1 की, तो पहले केस में टाइम क्या लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सबको पता है। अपन ने डिस्टेंस मान लिया डी, और स्पीड क्या है, स्पीड है उसकी 5/2 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2D/5 हो गया T1। अच्छा T2 की बात करें अपन, T2 का डिप कैसे आएगा, तो डी स्पीड क्या है, डी डिस्टेंस है, स्पीड है 7/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2D/7, ये T2 आ गया। अब एक चीज आप ध्यान से समझना कि देखिए, एक चीज समझना आप यहाँ पे कि पहली बार वो गया था तो उसको 11:06 पे पहुंचा, मतलब 6 मिनट ज्यादा लगे थे, और दूसरी बार गया तो उसको 6 मिनट कम लगे, मतलब दोनों के टाइम डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो टाइम डिफरेंस कितना लगा, 12 मिनट, तो ये टाइम डिफरेंस ही है, तो T1 - T2 है, क्योंकि T1 ज़्यादा लगा था और T2 कम लगा, T1 उसको ज़्यादा लगा ना, और T2 कम लगा है, मतलब 12 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ से भी निकाल लेंगे अपन, क्या 2D/5 - 2D/7, ठीक है 2D अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा क्या 5, इधर 7 आएगा और इधर -5 और इधर आ जाएगा 5 7 35, ठीक है। और ये क्या आया था 12 मिनट, तो मिनट को ओपन करना पड़ेगा पहले आवर में कन्वर्ट, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं 5 7 35, 5 12 60 और 5 12 12 कट गया, 12 12 कट गया, ठीक है। इधर से आ जाएगा कितना 2D ये आएगा और 1 2 ये आ जाएगा, 2 और 2 4D, इधर से आ गया अपने पास 4D बराबर, ये डी अपॉन में 7 था तो उस साइड चला गया 7, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या आ गई 7/4, 7/4 को और काटने की कोशिश करूँ मैं तो ये कट जाएगा 1 1 4 4 1 4 बचेगा 3/4, 1:3/4 किलोमीटर, कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है।